सर पूरे दिन उबलता हूँ, उसके बाद कहीं जाके शाम में अपने कामों को निपटाने के बाद आपके लिए थोड़ा सा वक्त निकालता हूँ, मुल्क के लिए थोड़ा सा वक्त निकालता हूँ। अच्छा मोहसिन दावड़, मोहसिन दावड़ वो शख्स है जो इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद है। ये वो शख्स है जो अली वजीर को भी बुला रहा था कि भाई इसको भी ले आओ, ये भी तुम्हारे ही हक में वोट देगा, इमरान खान के अगेंस्ट में देगा। अब मोहसिन दावड़ कहता है कि जी आर्टिकल 6 लगनी चाहिए इमरान खान की टीम पर। अच्छा पहले तो मैं आपको बताऊं, आप लोग बताएंगे, मैं कम से कम ये बात अल ऐलान कहता हूं कि मैं लानत भेजता हूं हर उस अदालत पे जो छुट्टी के दिन लगे, मैं लानत भेजता हूं हर उस अदालत पे जो एक गरीब को तो जब इंसाफ देने की बारी आए तो वो तारीख पे तारीख दे और कभी फैसला ना करे बगैर पैसा लिए। मैं लानत भेजता हूं हर उस अदालत पे जो नैब के अंदर जब शहबाज शरीफ का केस आता है तो वो सालों गुजरने के बाद उसका फैसला नहीं होता है, फैसला दूर की बात है, फर्द जुर्म आयद नहीं हो पाता है, मैं लानत भेजता हूं। अच्छा इसी तरह से मोहसिन दावड़ साहब ने फरमाया, साहब कहते हुए मतलब मैं एक अगवानी को, भाई मोहसिन दावड़ का, अली वजीर का और मंजूर पश्तीन का विकिपीडिया उठा के देखें तो इनकी आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगी। उसकी वजह, भाई अफगानिस्तान में पैदा हुए हुए लोगों की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, ये कहीं भी पैदा हुए गए थे, उसके बाद ये पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठकर ये बात करेंगे कि गद्दारी किस पे लगनी चाहिए, आर्टिकल 6 इमरान खान पे लगनी चाहिए। तो भाई लगनी चाहिए ना तो पहले मुझ पर लगा दो, पहले मुझे लटकाओगे। कोई मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई मुनाफिक साथ में मेरे आए ना आए, इमरान खान से पहले मैं लटकना चाहूंगा अगर ये मंजूर पश्तीन मोहसिन दावा टाइप के लोग बताएंगे। अच्छा जी हल्फ जो है ना, मेनली मैंने नोट किया पाकिस्तान के हल्फ में कहीं कमी है, वो हल्फ होना क्या चाहिए मैं आपको बता दूं। जब ये हल्फ लें तो शुरू करें कि भाई सबसे पहले बोलेंगे ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, सबसे पहले इनको बोलना पड़ेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद ये बोलेंगे पाकिस्तान है तो मैं हूं, पाकिस्तान है तो तुम हो, पाकिस्तान है तो अदालतें हैं, पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो अवाम है, पाकिस्तान है तो सिंध है। ये आइसोलेशन में नहीं चलेगा, पाकिस्तान है तो अदालतें हैं, पाकिस्तान है तो चीफ जस्टिस है, पाकिस्तान है तो यहां के लोग जिंदा हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। ये हल्फ के अंदर चीजें दाखिल करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके हमें पता चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया।